You ready? Excuse me. Sir, here. How are you? नक्शा वाला एक मिनट। दादा आप बैठो ना। जयदेव जी तेरा दादा थोड़ा सा चलिए हो गया चलो बैठ करते हैं दादा। वहाँ मुजरा चल रहा था, उस मुजरे को मैंने कनेक्ट किया कि चुप चुप के ज़माने से महफिल में मेरी आना ये कैसी मोहब्बत है तू कैसा है दीवाना। इस तरह सभी गाने अपना ट्रेडिशनल जो गाने हैं उनमें भी बहुत कोशिश की मैंने उनको जितना नया कर सके उनको जितना अच्छा कर सके
बाकी आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा क्या। थैंक यू। कम आगे सर क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? सर फर्स्ट ये कहूँगा कि ये फिल्म जो एफर्ट है हमारे प्रोड्यूसर वेद जी का, इनफैक्ट उनके एफर्ट के लिए आज ये फिल्म हम आज रिलीज कर पा रहे हैं। उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन, और आज के ज़माने में एक फ्रीडम फाइटर्स पर फिल्म तो बनाता तो नहीं है, बिकॉज हमारे जनरेशन एक्चुअली कहीं ना कहीं भूल चुका है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो इस जनरेशन के लिए अगर एक ऐसी फिल्म बनी हुई है तो हैट्स ऑफ टू आवर प्रोड्यूसर वेद जी एंड आवर डायरेक्टर तरुण जी एंड द एंटायर टीम दैट हमने इतना हार्ड वर्क करके ऐसी फिल्म बनाया हुआ है। एंड आई होप दैट ये फिल्म सब लोग देखेंगे एंड दे विल अप्रिशिएट द हार्ड वर्क एंड द एफर्ट ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हू हैव फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इसमें हम आज़ाद जी का रोल निभा रहे हैं शुक्र आज़ाद। इनफैक्ट ये हमारा मेरे लिए एक बड़ा ड्रीम रोल था, बिकॉज टू प्ले अ फ्रीडम फाइटर इज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर। एंड आज़ाद जी हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट व्हाट यू कॉल्ड लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, उनका रोल करना वाज अ ड्रीम फॉर मी। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वेद जी ने हमें चांस दिया एंड आई एम थैंकफुल। इस तरह का पहले भी नहीं है। हाँ, हमने इसके पहले क्या डिफरेंट किया, कुछ अलग करने की कोशिश की है कि उस कैरेक्टर में? इसके पहले हमने फ्रीडम फाइटर एक फिल्म की थी खेले हम जी जान से आशुतोष गवर ने करके, तो उनमें भी हमने गणेश घोष का हमने किरदार निभाया था। तो उनके बाद दिस इज माई सेकेंड फ्रीडम फाइटर फिल्म। सो मेरे लिए ये बड़ा ही इमोशनल और एक इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी टू प्ले दिस रोल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो क्या कुछ चेंज करने की कोशिश की या चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कुछ खास? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो रिसर्च हमने की थी, इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज़ाद जी का रियल पिक्चर देखेंगे ना, उनके फोटोग्राफ्स, और अगर आप मेरे जो फोटोग्राफ्स है उसमें हमने मतलब सिमिलैरिटीज बहुत साथ मतलब दे आर वेरी क्लोज। सो इट वॉज अ मतलब जो जो हमने रिसर्च की, जो जो हार्डवर्क लगा है इस पिक्चर में, इट इज़ कम आउट वेरी वेल। थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे फिल्म के बारे में, क्या किरदार कर रहे हैं? इस फिल्म के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी की फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। आज़ादी के ऊपर बहुत सारी फिल्में आई, शहीद भगत सिंह और बहुत सारे लोगों ने बनाई, लेकिन ये फिल्म बहुत अलग हटके बनी है और इसमें आपको आज़ादी का वाकई फील आएगा। इसमें देखकर आपको लगेगा कि ये फिल्म वाकई में आज़ादी के ऊपर बनाई गई है। जितने भी किरदार हैं, मैंने इसमें कर्नल मैक्सवेल का रोल किया है जो ब्रिटिश ऑफिसर है, और ब्रिटिशर्स तो मालूम है उन्हीं के खिलाफ थे। तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बाकी सारे किरदारों ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक्स टू हमारे प्रोड्यूसर हैं वेद गांधी जी एंड मेरे डायरेक्टर तरुण वाधवा जी, जिन्होंने इसको इतना अच्छे ढंग से इन्होंने फिल्माया है। और म्यूज़िक तो आपको पता ही, आपने सुने गाने, फिल्म का म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, फिल्म के हर किरदार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फिल्म। सर बहुत गौरवान्वित अनुभूति है, बहुत ही ज़्यादा गर्व से वाकई में सीना 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि पंजाबी पृष्ठभूमि से हूँ मैं। मेरे माता पिता दोनों पंजाब के रहने वाले थे, प्री पार्टीशन पंजाब के, तो घर में पंजाबी बोली जाती थी। ऐसे में जो घर में हम बचपन से कहानियाँ सुनते हैं, जो हमारे लिए हीरोज़ होते हैं, और देखिए मैं भारत में यकीन करता हूँ, तो भारत के हीरोज़ तो महाराणा प्रताप भी हैं, शिवाजी भी हैं, भगत सिंह जी भी हैं, विवेकानंद जी भी हैं, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग हीरोज़ हैं। तो इनमें से कोई भी आपको मिले तो आपका रिएक्शन तो सेम ही होगा। भगत सिंह का सिर्फ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि मैं उस प्रांत से था, उस भाषा उस पृष्ठभूमि से था मैं। शिवाजी का शायद उतना अच्छा इसलिए ना कर पाऊँ क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली मराठी भाषा नहीं बोल पाता, तो वो एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो एक संस्कृति का ज्ञान है वो मुझे नहीं रह पाता, जो पंजाबी में है। तो जब ये रोल मिला तो खुशी, आपको शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि कितना खुश हुआ था मैं। आज भी उतना ही खुश महसूस करता हूँ, आज भी न्यू कमर की तरह फील करता हूँ कि ये फिल्म मुझे मिली। मेरी ज़िंदगी में मैं अगर ऐसे 3 रोल भी कर लूँ तो मैं अपना जीवन सार्थक समझूँगा। ये एक मिल गया है
और फॉर्चुनेटली वेद गांधी जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनकी मेहनत है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर वेद गांधी, उनके और उनकी टीम के हेल्प से ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। आई थिंक यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर देखिए, जेपी दत्ता नाम अभी क्या है, नाम तो कोई भी होता है, हम नामों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये नाम इतना वजन रखता है। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में एक महाविद्यालय है, एक्टिंग का, डायरेक्शन का, फिल्म मेकिंग का। तो जब भी हम देशभक्ति की बात करते हैं तो दो ही नाम निकलते हैं, पुराने टाइम में मनोज कुमार जी और मॉडर्न टाइम में जेपी दत्ता साहब। क्योंकि जेपी दत्ता साहब ने तो वॉर फिल्म्स बनाई हैं, देशभक्ति और वॉर फिल्म्स बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं। तो उन्होंने जो भी टीका टिप्पणी की है उसे मैं नमन, साक्षात नमन करता हूँ। उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर उन्होंने कहा अच्छा हूँ तो उन्हें पता, उन्होंने कहा बुरा हूँ तो भी मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा, बिकॉज उन पर मैं कुछ कह ही नहीं सकता। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया इस रोल में। और जे पी दत्ता साहब अगर कर रहे हैं तो कहते हैं ना, एक सयाने आदमी की ताली 50 लाख अज्ञानियों की ताली से ज़्यादा ज़ोरदार होती है, तो मेरे लिए वो वाली बात।